आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा जो कि आपने ना सुना होगा और ना कभी खाया होगा। उस रेसिपी का नाम है मिर्ची गोश्त। मिर्ची गोश्त जब सबसे पहले मैंने खाया था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी कोई गोश्त बनता है, मटन बनता है और इतना टेस्टी। तो मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं मिर्ची गोश्त, उसके बाद मैं आपको मटन कढ़ाई एंड जर्दा पुलाव, मटन रोगन जूस, कुछ ऐसे आइटम मैं आपको बताऊंगा और इंग्रेडिएंट भी आपको बताऊंगा। अभी मैं लेके चलता हूं कि मैं क्या क्या इसमें मिक्स करूंगा और किस तरह से बनाऊंगा। प्लीज कम एंड फॉलो मी। मेरे साथ मैं आप दिखाता हूं, ये मेरा किचन है और आज मैं जो आपको मिर्ची गोश्त बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो देना चाहता हूं मैं, वो उससे रूबरू कराता हूं, उससे मुलाकात कराता हूं। नाउ माय असिस्टेंट विल स्पीक अबाउट माय इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले आपको मटन चाहिए, ये 1 किलो मटन है और जो भी क्वांटिटी अब हम बताएंगे मटन के हिसाब से है। मटन के अंदर मैं आपको और बता दूं, मटन के अंदर सिर्फ आपको नमक मिला के मिक्स करके रखना है, सिर्फ नमक और कुछ नहीं। यस, और आपको मेन इंग्रेडिएंट इसके लिए चाहिए धनिया पत्ता, ये पूरा धनिया पत्ता इसमें लगेगा। उसके बाद आपको चाहिए एक बड़ा वाला लहसुन, उसके बाद नेक्स्ट है, और आपको चाहिए अदरक। अदरक जो है आपको सिर्फ इतना अदरक लगेगा, उसको चॉप करना पड़ेगा, चॉप करके उसके अंदर देना पड़ेगा। मैं भी बताऊंगा जब मैं बनाऊंगा उसको मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से बना रहा हूं, किस तरह से इसको बनाया जाएगा। मेन चीज जो इसके अंदर है इसका नाम है मिर्ची गोश्त और लास्ट में आता है, यस मैम, नींबू नहीं मिर्ची, मिर्ची मिर्ची, ये तीखी वाली मिर्ची आपको लेनी है और कम से कम 15 से 20 पीस जो कि आपको इसको मिक्सर में साथ में ही पीसना है धनिया के साथ। और लास्ट में आता है टेस्ट के लिए जो कि जायका आएगा मटन मिर्ची गोश्त के अंदर, वो है हमारा फेवरेट विटामिन सी, नींबू। नींबू हम देंगे 4 पीस, इसका रस निकालेंगे और रस निकालने के बाद लास्ट में जब मटन गोश्त बन जाएगा मिर्ची गोश्त, उसके बाद रस को उसके अंदर डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, उसका जायका एक अलग ही आएगा। अगर आपको ये मिर्ची गोश्त पसंद आता है तो प्लीज 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 लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड सेकंड थिंग, अभी इसके पाइपलाइन में है, आपको मैं बताता हूं कि मटन कोरमा मटन कढ़ाई से एंड मटन रोगन जूस एंड जर्दा पुलाव एंड कुछ मैं पनीर आइटम भी बनाऊंगा और पनीर पराठा कैसे बनाते हैं, आलू का पराठा कैसे टेस्टी बनाते हैं और पोहा, पोहा तो बड़ा प्रचलन में है और हमारे मुंबई में तो पोहा काफी अच्छा चलता है, तो पोहा जो है किस तरह से और टेस्टी बनाया जाता है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि पोहा के अंदर किस तरह से बना सकते हैं जो कि बहुत ही लजीज और टेस्टी लगे और आदमी अगर कोई इसको खाता है, बच्चा भी खाता है, बड़े भी खाते हैं और हमारे मम्मी पापा दादा दादी भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, तो बड़ा ही टेस्टी और मजा आएगा। चलिए मैं लेके चलता हूं अपने शहर में मटन मिर्ची गोश्त। थैंक यू। और सबसे पहले हम लेंगे धनिया को मिक्सर में पीसेंगे और किस किस तरह से मैं उसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा वो आप देखिए और सीखिए और अपने घर में बनाइए और जायका लीजिए। हाँ, मेरा पतीला गर्म हो चुका है और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब भी आप मिर्ची गोश्त बनाइएगा सिर्फ मस्टर्ड ऑयल और कुछ नहीं, नो देसी घी, नो रिफाइंड ऑयल, ओनली मस्टर्ड ऑयल। अब मैं इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालूंगा और मस्टर्ड ऑयल भी आपको डालना है थोड़ा क्वांटिटी में जिससे कि वो अच्छी तरह वो फ्राई हो और भुने और खाने में जायका मजा आ जाए। ये मैंने लगभग 1.25 किलो 200 ग्राम तेल दिया है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इतना काफी है 1 किलो मटन के लिए। अब देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है और तेल में जो मैंने चॉप किया था जिंजर अदरक वो मैं इसको इसके अंदर डालूंगा और ये तब तक इसके अंदर भुनना है जब तक ये लाल नहीं हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाएगा
और बिल्कुल रेड हो जाएगा तो आप इस तरह से लीजिए, रेड हो जाएगा उसके बाद आप करिए, और जब रेड हो जाएगा उसके बाद आप इसके अंदर इस बैटर को डालेंगे, इस ग्रेवी को डालेंगे। ये है इसके अंदर क्या क्या डाला है, लहसुन इसके अंदर है, इसके अंदर मिर्ची है, इसके अंदर धनिया पत्ता है। हाँ एक बात और बता दूं आपको कि धनिया खाने से आपका स्किन अच्छा होता है, आपकी आंखें अच्छी होती है, आप हेल्दी रहते हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ धनिया। हाँ अब देखिए ये भुन चुका है, लाल हो चुका है और अब मैं इस बैटर को इसके अंदर डालूंगा। लेकिन आप कभी भी इसको डालते हैं तो बहुत केयरफुली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा धुआं मारता है और आप कुछ भी आ सकती है, आप थोड़ा सा जल सकते हैं, तो इस बहुत केयरफुली आप इसको करिएगा। और ये अभी भुनेगा, मैंने इसके अंदर डाल दिया है और भुनते भुनते इसका बहुत 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 बढ़िया टेस्ट आएगा। और जैसे ये बॉयल होगा ना तो अभी जैसे ये मैंने डाला है आप देखिए कम से कम दो दो तीन तीन किलोमीटर तक इसकी खुशबू जाएगी, और आप समझिए जिसकी खुशबू दो दो तीन तीन किलोमीटर जाती है तो उसकी उसका जायका उसको खाने में इतना मजा आएगा। अब जैसे ये अपना गर्म हो जाएगा, खोलने लगेगा 10-2 मिनट, उसके बाद आपको मटन डालना है। अब देखिए मैंने इसके अंदर मटन डाल दिया है और ये खोल रहा है, गर्म हो रहा है। अब इसको मीडियम सिम में इसको आप 15 से 20 मिनट तक ढक के पकाना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको एक दो बार हिलाएंगे, उसके बाद 15 से 20 मिनट, और ये कम से कम 90 मिनट के अंदर ये बनके तैयार हो जाएगा अबाउट टू सर्व। और उसके साथ पराठे जरूर बनाएंगे, लच्छेदार पराठे उसके साथ ग्रेवी के साथ, और उसको थोड़ा मटन लो और ग्रेवी से पराठे को खाओ ना, बहुत टेस्टी होता है। हाँ जब आप सर्व करेंगे तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट यू आर मेकिंग, क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी आर गोइंग टू सर्व दैट पर्टिकुलर डिशेस। तो आपको व्हाइट प्लेट लेना है, व्हाइट बाउल लेना है और व्हाइट सब कुछ इस्तेमाल करना है, उसी के अंदर सर्व करिए, और जब 50% उसमें मजा आ जाता है सर्विंग में, और जब खाएंगे उसका जायका होगा तो चार छह। तो मेरा मिर्ची गोश्त अब रेडी है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा लेमन दूंगा लाइक दिस, नॉट वन, मिनिमम 4-5 लेमन मैंने काट के पहले रखा हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। देखिए फिर मैंने दिया, और जो इसका टेस्ट आएगा वो माइंड ब्लोइंग होगा, आउट स्टैंडिंग होगा, जब आप खाएंगे किसी पराठे के साथ या लच्छा पराठे के साथ, रोटी के साथ और पुलाव के साथ, या सिर्फ चावल, कुछ भी चलेगा। और जब आप खाएंगे इसका जो टेस्ट होगा बिल्कुल आपके दिल को छू जाएगा और मजा आ जाएगा। आप दिल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कहेंगे कि यस आज पहली बार कुछ जायके वाला रेसिपी खाने को मिला है। थैंक यू सो मच डियर, इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो मिर्ची गोश्त।